नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भैया द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो बाबा राम रहीम जी को मानते हैं। उनके क्या विचार हैं उनको लेकर डायरेक्ट उनके विचार जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विकास इंसान। सर आप डेरा सच्चा सौदा से कितने समय से जुड़े हो? करीब 10 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। 10 सालों से आप डेरा में आ रहे हो, क्या बदलाव आए आपकी ज़िंदगी में बाबा राम रहीम जी से जुड़ने के बाद? हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आए। हमारे पापा जी हमारे को यहाँ पे लेके आते थे, तो हम यहाँ पे यही देखते थे कि डेरा सच्चा सौदा एक खुली किताब की तरह है। यहाँ पे कभी भी कोई भी आ जा सकता है, किसी के लिए कोई रोक टोक या कुछ रुकावट नहीं थी मतलब। तो हम यहाँ पे बचपन से आते जा रहे हैं, तो हमने देखा कि बहनों की साइड हैं, भाई भाई की साइड हैं। बहनों की साइड भाई नहीं जा सकते, बहनें भाइयों की साइड नहीं आ सकती। यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत तरीके से बनाई गई है, मतलब कि बहनें की साइड रहेंगे, भाई भाई की साइड रहेंगे। तो बदलाव यही आए कि जो ज़िंदगी में हमारे पापा जी पहले काफ़ी शराब पीते थे, मांस खाते थे, तो घर में मतलब लड़ाई झगड़े रहते थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जब से हम गुरुजी से नाम लिया हमारे पापा जी ने, तो उन्होंने मांस अंडा खाना छोड़ा, दारू बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ी, तो घर में खुशियाँ आई। उससे काफ़ी बदलाव आया शराब छोड़ने से। बाबा राम रहीम जी ने देश के लिए समाज के लिए क्या कुछ किया है? बाबा ने देश के लिए काफ़ी मानवता भलाई के कार्य करे, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करना। 147 कार्य कर रखे हैं बाबा राम रहीम ने, जिनको गिनाया नहीं जा सकता, काफ़ी कार्य हैं। इस समय बाबा राम रहीम जी की समाज को क्यों ज़रूरत है? इस समय समाज को बदलने के लिए बाबा राम रहीम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो गंदगी आजकल समाज में भरी हुई है उसको ख़त्म कैसे करा जाए, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, इन चीज़ों के लिए बाबा राम रहीम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अंत में आप हमारे माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे डेरा और बाबा जी के बारे में? लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अपने आँख खोल के देखें, कि पहले समझें कि ये डेरा सच्चे सौदे में आए, एक बार देखें कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, तब कुछ निर्णय लें। उन्होंने सीधा जो न्यूज़ मीडिया ने उनको दिखाया, मीडिया तो भ्रष्ट है, मीडिया को तो कोई पैसे दे देगा तो वो तो किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देगी। तो पहले आके खुद अपने आप देखें और समझें कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कैसा है, तो लोग समझेंगे। ये कहना चाहूँगा कि लोग पहले आएँ तब कुछ निर्णय लें, सीधा अपराधी ना बनाएं किसी को भी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार समझे।